नमस्कार, चलिए आज हम बात करेंगे इस किसान सम्मान निधि का। अगर आपका भी कोई किस्त प्राप्त नहीं हुआ है तो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से किस तरीके से चेक करेंगे इसको कि उसमें क्या दिक्कत है और किस तरीके से ऑनलाइन शिकायत करेंगे, तो आपको किसी ब्राउज़र में pmkisan.gov.in लिख के सर्च कर लेना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ऑनलाइन शिकायत करने के लिए एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है और वहाँ से आप जाके ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क एक ऑप्शन मिल जाता है हेल्प डेस्क नाम से, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या है और किस तरीके से उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर रजिस्टर क्यूरी और नो द क्यूरी स्टेटस का दो ऑप्शन मिलता है, तो पहले आप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डाल के अपना आप समस्या को यहाँ पे लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दिया हूँ और गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है, नाम आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट आ गया है, कैटेगरी आ गया है, बेनिफिशियरी स्टेटस एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट, यानी यहाँ पर करेक्शन पेंडिंग है इसलिए मेरा कोई भी किस्त यहाँ पे नहीं आया है, आप देख सकते हैं। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट ग्रीवियंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि जैसे आपका अकाउंट नंबर सही नहीं है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है, या आधार करेक्शन में प्रॉब्लम है, जेंडर में प्रॉब्लम है, पेमेंट स्टेटस, EKYC में प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम इन बायोमेट्रिक बेस्ड EKYC, आपकी जो भी समस्या यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे कोई किस्त नहीं मिला है। और यहाँ आप अधिकतम 500 शब्दों में अपनी शिकायत को यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, तो आप अपनी शिकायत अपनी भाषा में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं जो आपकी शिकायत हो। तो यहाँ पे चलिए मैं इस तरीके से लिख दिया हूँ अपनी शिकायत कि मुझे कोई किस्त प्राप्त नहीं हुआ है, पहले मेरा ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पर लगा हुआ था, फिर बाद में मैंने सिंगल अकाउंट करके यहाँ पर यूनियन बैंक का लगाया हूँ और इसके लिए मैंने आवेदन भी कर दिया है ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट पे, लेकिन इसमें अभी कोई सुनवाई हुआ नहीं है। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर ज़रूर डालें क्योंकि वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी समस्या यहाँ आप लिख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 शब्द में लिखना है आपको और यहाँ पर आपको जोड़ के लिख देना है और फिर आपको सबमिट कर देना है, थोड़ा देर आपको वेट करना है। तो इस तरीके से आप यहां से अपनी समस्या को सफलतापूर्वक यहां पे ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लिख दिया है कि आपका ग्रीवियंस जो है, आपकी जो समस्या है ऑलरेडी यानी पहले से ही दर्ज हो चुकी है। तो इस समस्या को हम किस तरीके से अपना ट्रैक करेंगे कि जो हमने यहाँ पर समस्या लिखा है उस पर अधिकारियों का, ऑफिसर्स का क्या फीडबैक है, इसके लिए नो द क्योरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योरी आईडी, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। तो मैं आधार नंबर दर्ज करके यहाँ से अपनी स्टेटस चेक करूँगा कि अधिकारियों का क्या फीडबैक रहा है मेरे इस जो शिकायत मैंने कंप्लेन दर्ज किया है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पर उनका फीडबैक, चूँकि जो मैंने सबमिट कर दिया था 25 फरवरी 2021 को ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/2/2021 को इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सर्स का जो फीडबैक है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके, यानी उनकी भाषा हिंदी है। तो इस तरीके से आप अपना जानकारी ले सकते हैं और आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर